नाउ रीड दिस, इसको पढ़ें और देखें। एक स्ट्रेट स्ट्रोक को जब डार्क करते हैं तो उसमें आर जुड़ जाता है, और आर उस स्ट्रोक और आर के बीच में एक वॉवल भी इंक्लूडेड रहता है। वो अभी हम देखेंगे किस तरह से वॉवल उसमें आ जाता है स्ट्रेट स्ट्रोक को डार्क करने पर। अब जैसे बार्क लिखना है, बार्क, तो बी को मोटा करेंगे तो बार हो जाएगा, यानी बी और आर के बीच में एक वॉवल आ गया है ए। कोई भी वॉवल आ सकता है बी और आर के बीच में, ए ई आई ओ यू। अब जैसे बार्क लिखना है तो ये बी को डार्क किया बार्क। इसमें आपको अब समझना है कि बार्क है कि बर्क है कि बिर्क है, बोर्क है कि बर्क है, ये आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा कौन सा वावेल इसमें हो सकता है। बार्क, बी को डार्क किया बार्क। इसी तरह से एक शब्द आ रहा है फोर्क, फोर्क, एफ ओ आर के, तो देन डार्कन द एफ फोर फोर एंड क, फोर्क, फोर्क, फर्क, फिर्क, दैट इज रिटन एज इट इज। वोवेल्स यहाँ पे जो ऐड हो सकते हैं ए ई आई ओ तो है ये यू। अब हमें लिखना बार्बर, बार्बर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बार डार्क किया बी को एंड बर इसको भी डार्क किया बार्बर। टार्टर लिखना है टार्टर, टार टर, टी को डार्क किया टार एंड टर टार्टर। डार्क लिखना है डार्क, डी ए आर के डार्क, डी को मोटा किया डार्क। ड्रो लिखना है ड्रो, डी आर ओ वी, डी को डार्क किया ड्रो, ओ लगाया ओ एंड वी ड्रो। ड्रूप, डी आर डबल ओ पी ड्रूप, डार्क एन द डी ड्रू ड्रू प। ब्रेवो, ब्रे वो, डार्क एन द बी ब्र ए वो ब्रेवो। अपर, अपर अ पर दिस पर अपर। कैप्चर, कैप चर, टर एंड चर इज सेम, कैप चर दिस इज कैप्टर और कैप्चर। ब्रॉड, बी आर ओ ए डी ब्रॉड, ब्रॉड, बोर्ड,
डार्कन द बी एंड डी एफोर्ड एफोर्ड स्मॉल ए फोर एंड एफ इज डार्कन एंड डी टर्बोट टर्बो टी इज डार्कन्ड टर एंड बोट टर्बोट बार्टर ये आर टी आर बार्टर बी इज डार्कन्ड बार एंड टर टी इज डार्कन्ड बार्टर बार सॉरी बार टर हैग्ड हैगर्ड हैगर्ड एच ए जी जी ए आर डी एगर्ड लिखते हैं एगर्ड अगर यहाँ डॉट लगा दे इट मीन्स हैगर्ड ओके दिस इज फॉर नाउ